website www.menti.com and use the code 34408. तो जैसे ही आप इस 5-digit कोड को एंटर करेंगे menti.com पर, आप इस क्विज के साथ जुड़ जाएंगे एंड ऑल ऑफ यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस बीइंग पुट फोर्थ। तो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आप करने लग जाएंगे। बहुत जरूरी है इस वक्त जितने बच्चे यूट्यूब पर हैं, सारे के सारे बच्चे जाइए www.menti.com पर एंड यूज द कोड 34408। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे, आप लॉग इन हो जाएंगे एंड यू विल बी रेडी टू आंसर ऑल द क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन द menti.com वेबसाइट, जहां पर आपको अपना लीडर बोर्ड भी दिखाई देगा। एक्चुअली menti.com को कंप्लीट करने के बाद हम एक बार फिर उन क्वेश्चंस को डिस्कस भी करते हैं, तो जिन बच्चों को कुछ भी दिक्कत आए menti.com पर लॉग इन करने के लिए, वो भी बने रहे सेशन के आखिरी तक, क्योंकि आपको उन सारे के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन भी होगा और PDF भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो बच्चों, दिन की शुरुआत आप मेंटी क्विज से ही किया करें मेरे साथ एंड सारा दिन पूरा दिन आप एनर्जाइज्ड रहेंगे, फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे। इसका रीजन है, जब आप कोई भी गुड वर्क दिन की शुरुआत में करना शुरू कर देते हैं तो आपका दिन अच्छा ही जाता है, क्योंकि आपकी शुरुआत अच्छी होती है। वेरी गुड। चलिए बच्चों, तो काउंटडाउन शुरू कर देते हैं और अपने सेशन को स्टार्ट कर दिया जाए। Right now we have more than 500 students already logged into the menti.com और जैसे ही 600 हो जाता है मैं countdown start कर दूंगा and there you go 600 plus students join कर चुके हैं। चलिए बच्चों, session को शुरू कर देते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। जो भी बच्चे इस वक्त session के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको करना क्या है, go to the website www.menti.com and use the code 34408। जैसे ही इस कोड को यूज करेंगे आप जुड़ जाएंगे हमारी इस वेबसाइट के साथ और आंसर कर पाएंगे। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आज के इस सेशन। आज है एनिमल किंगडम का दूसरा पार्ट, तो आप लोग तैयारी करके आए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था फर्स्ट लेवल वॉज द बिगिनिंग लेवल और उसके बाद जब सेकेंड लेवल होता है तो उसके क्वेश्चन का जो आप समझ ही सकते हैं स्टैंडर्ड होगा, तो कुछ फर्स्ट लेवल से हायर स्टैंडर्ड ही होगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज और यही वजह है कि काफी बच्चे इस वक्त जुड़ चुके हैं सेशन के साथ। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द काउंटडाउन। 750 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। जितने बच्चे यूट्यूब पर हैं, सारे के सारे बच्चे जाइए www.menti.com एंड यूज द कोड 34408। वेरी गुड। सो लेट मी स्टार्ट विद द काउंटडाउन और अब शुरुआत कर दी जाए अपने इस सेशन की। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट। 800 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। बच्चों, पहला प्रश्न आपका ये रहा, देयर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू क्विकली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, फटाफट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि स्पीड एंड एक्यूरेसी दो चीजें मैटर करती हैं द मोस्ट। टू थिंग्स मैटर द मोस्ट। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। 10 सेकेंड्स में 400 से ज्यादा बच्चों ने आंसर कर लिया। दैट इज वंडरफुल, अमेजिंग। बहुत एक्यूरेसी के साथ अगर स्पीड है तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। 20 सेकेंड में 700 प्लस स्टूडेंट्स ने आंसर कर लिया है। 1st क्वेश्चन में 800 से ज्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया। दैट इज वेरी गुड। 815 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और 526 स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ। वेरी गुड। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है? मेटाजेनेसिस का मतलब है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल पार्ट। आपने जेलीफिशेस के बारे में पढ़ा हुआ है, उनके बीच में जो पॉलीफॉर्म होता है और मेड्यूसा फॉर्म, पॉलीफॉर्म यानी कि फ्लावर वास की तरह, मेड्यूसा फॉर्म अम्ब्रेला के तरह होता है, तो उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। वेरी गुड। चलिए पहला लीडर बोर्ड क्या कहता है आज के पहले क्वेश्चन के साथ एक बार क्विकली देखते हैं, व्हाट हैज द लीडर बोर्ड टू शो। देयर यू गो। काफी बच्चे मुझे नए दिख रहे हैं आज के इस लीडर बोर्ड में। राजेश, उमायर, आयुषी, शालिनी ठाकुर, लुधियाना वाले, पूनम, आकाश, साई सिद्धार्थ, पाखी, बहुत ही बढ़िया। तो ये बच्चे, मेरे ख्याल से ये सारे के सारे बच्चे नए हैं। एवरी डे जो बच्चे आते हैं उनमें से मुझे कोई भी नाम नहीं दिख रहा। आकाश जरूर दिख रहे हैं, पूनम एंड आकाश, एंड आई थिंक शालिनी भी आ चुकी हैं, आयुषी भी आ चुकी हैं, राजेश, उमायर, राजेश भी एक बार पहले आ चुके हैं, उमायर भी आ चुके हैं। ऑलराइट, सो सिद्धार्थ, पाखी, ये सारे के सारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। तो आपने आज का
पहला प्रश्न पर अपना नाम अंकित कराया लीडर बोर्ड पे, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या कहता है आपका अगला प्रश्न और उसके बाद लीडर बोर्ड क्या कहता है। एक्सीलेंट, बहुत तेजी के साथ आप लोग आंसर कर रहे हैं। और बच्चों मंडे टू सैटरडे एवरी डे 9 AM एंटी क्विज होती ही होती है, तो आपको आना जरूर है इस क्विज में। यू हैव टू कम टू दिस क्विज ऑन अ डेली बेसिस। संडे का दिन आपकी प्रिपरेशन के लिए होता है, तो आप पूरे हफ्ते के लिए जरूर प्रिपेयर करा करिए। ऑलराइट, वेरी गुड। फर्स्ट 20 सेकंड में 800+ स्टूडेंट्स ने आंसर कर लिया है और अब भी बड़ी तेजी के साथ आंसर होते हुए। देयर यू गो, ऑलमोस्ट 900 स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। 897, तीन बच्चे कम 900। 897 बच्चों ने करेक्ट किया है, अटेम्प्ट किया है। 799, वंडरफुल, प्लानेरिया पॉसेसेस हाई कैपेसिटी ऑफ रीजेनरेशन। 799 बच्चों को इसका आंसर पता है, भाई क्या बात है। प्लानेरिया आप लोगों को काफी पसंद है मेरे ख्याल से, तो प्लानेरिया का अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो भी कई चीजें क्लियर हो जाती हैं। आईज के इवोल्यूशन में भी इसका काफी रोल माना जाता है। ऑल राइट, एनीवे लेट्स मूव अहेड, हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड। पॉइंट्स के कैलकुलेशंस होते हुए देखते हैं अभी कौन बच्चा नंबर वन पर आता है। राजेश इज नंबर वन, आयुषी, पूनम, सिद्धार्थ, बाला, पारू, लुधियाना, काल्पी, ठाकुर एंड श्रुष। वंडरफुल बच्चे, स्वागत है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, देयर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है और उसके बाद समझने की कोशिश करनी है। तो बहुत तेजी के साथ आंसर हो रहे हैं। ओके, 500 बच्चों ने 10 सेकंड्स में आंसर कर लिया। तो अब आप समझ सकते हैं उन 500 बच्चों की क्या स्पीड है और क्या एक्यूरेसी है। बहुत बढ़िया, वेल डन बच्चों, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। स्पीड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। थोड़ा टाइम जरूर लग जाए लेकिन अगर एक्यूरेट कर रहे हैं तो फिर कहावत वही है, देर आए दुरुस्त आए। ओके, सो 922 बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और 404 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। देख लीजिए क्वेश्चंस का लेवल आपको समझ में आने लगा होगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, सिलेक्ट द टैक्सन दैट रिप्रेजेंट बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज। ऐसा टैक्सन ढूंढना है इनमें जो कैटेगरीज में दिया हुआ है कि जो मैराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज। निडेरियंस की अगर हम बात करें तो इसमें एक हाइड्रा भी पाया जाता है जो कि फ्रेश वाटर फॉर्म है पाया जाता है। हाइड्रा के बारे में आप जानते हैं और जेलीफिशेस भी होती हैं तो वो मैराइन है, तो इसका मतलब है यही है। इसके अलावा सिफेलोकॉर्डेटा, टीनोपोरा या एकाइनोडर्मेटा, ये दोनों कंडीशंस में नहीं पाए जाते हैं, ये ज्यादातर मैराइन है। गेटिंग द पॉइंट? सो नाउ एक्सक्लूसिवली जिसकी हम बात करें टैक्सन की तो वो निडेरिया ही है, जिसमें विदाउट एनी डाउट दोनों में पाए जाते हैं। Alright, let's move ahead. और आपने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है अच्छे से, सारे के सारे exceptions बहुत सारे हैं, एनिमल किंगडम हो चाहे प्लांट किंगडम हो, उन exceptions को बच्चों बहुत ध्यान से याद रखना होता है। There you go. Number one is शिवम नाउ। शिवम, बाला, सनी, नरेंद्रन, तार्किक, आकाश, जतिन, अनग, रोहित एंड आनंद। पूरा का पूरा लीडर बोर्ड ही चेंज हो गया। तो बच्चों ये होता है स्पीड एंड एक्यूरेसी, और एक दो क्वेश्चन में डिसाइड नहीं हो पाता है। हालांकि वो भी बहुत अच्छा है कि पहली बार में आपका नाम आए, देयर इज नथिंग गुड देन दैट, बट कई बार एक बार में डिसाइड नहीं हो पाता है। तो एक दो तीन क्वेश्चन जाने के बाद क्लैरिटी पता चलती है कि किस तरह से आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेल डन उमदा। राइट, ओमकार, थैंक यू फॉर द हार्ट्स। ऑल राइट, सो ओमकार ने पूरी कंट्री के हार्ट भेज दिए हैं, बहुत ही बढ़िया बच्चों। अगला प्रश्न आपका ये रहा, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर यू गो, ये रहा आपका अगला प्रश्न। बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन, आप इनके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। वेयर डू दे अकर, कहां पाए जाते हैं और कहां पाए जाते हैं, इसका मतलब एक्सक्लूसिवली कहां पाए जाते हैं, आर्टिफिशियल कंडीशन या कभी कभी घूमने तो कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन मेन एरिया कहां पर है वो आंसर का पार्ट होता है। और आपको उसका लॉजिक भी पता होना चाहिए, वो लॉजिक भी मैं बताऊंगा।
एक्सीलेंट, 935 बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 814 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया एंटार्क्टिका। यस बच्चों, तो लोअर सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर का जो निचला हिस्सा है वहां पर पेंगुइन्स पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक कंट्री है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन अगर हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो भी जो सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट है जिसमें अर्जेंटीना, पेरू वगैरह कंट्रीज आते हैं, चिली है, तो उनके लास्ट टिप में कभी कभी पेंगुइन देखे जाते हैं क्योंकि वो एंटार्क्टिका से काफी नजदीक होता है। लेकिन एक्सक्लूसिवली जहां पाए जाते हैं वो तो एंटार्क्टिका ही है, इसमें कोई भी शक नहीं है। इवन देखिए ऑस्ट्रेलिया भी सदर्न हेमिस्फीयर में आता है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वो अपर सदर्न हेमिस्फीयर में है, लोअर सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि पोल के करीब, ठंडी के प्रदेशों में रहने वाले पक्षी हैं ये, इनके बारे में आप ऑलरेडी काफी कुछ जानते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड, क्या कहता है इस वक्त हमारा लीडर बोर्ड, पॉइंट्स के कैलकुलेशन हो रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे होने की संभावना बनी हुई है। लेट्स हैव अ लुक, शिवम इज नंबर वन, तार्किक और शिवम के बीच में पॉइंट का डिफरेंस बहुत नैरो है। ज्लेटन भी आ चुके हैं, अनक, जतिन, रोहित, नरेंद्रन, चिराग, आनंद एंड बाला, ये बच्चे हमारे दिख रहे हैं इस वक्त लीडर बोर्ड पर। वंडरफुल स्टूडेंट्स, वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू गो, अगला प्रश्न आपका ये रहा। प्लेटवॉर्म्स जिसमें टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनाटा, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, प्लेनेरिया, कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनमें एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? वेरी गुड, बहुत तेजी के साथ आंसर हो रहे हैं। फर्स्ट 20 सेकंड्स में 900 बच्चों ने आंसर कर लिया है, लास्ट के 10 सेकंड्स हैं, जिन बच्चों ने अब तक नहीं किया आंसर वो भी क्विकली अटेम्प्ट करें, वक्त कंप्लीट होने वाला है। ओके, 957 बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, वेरी गुड। 696 बच्चों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता है कि फ्लेम, प्लेटवॉर्म और टीनिया, इनमें फ्लेम सेल्स होते हैं, एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर, बहुत ही बढ़िया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करना या बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। तो अब मुझे लीडर बोर्ड में कुछ फेरबदल नजर आता हुआ, देयर यू गो, तार्किक इज नंबर वन, वेलकम बच्चे। अनक, ज्लेटन, जतिन, बाला, आकाश, पूनम, आकाश, दो आकाश हैं आज इस सेशन में, रोहित, आयुष, यानी कि लीडर बोर्ड में दो आकाश के नाम दिख रहे हैं और भी आकाश नाम के बच्चे हो सकते हैं। स्वागत है बच्चों। एक चीज और बच्चों, जिनका नाम लीडर बोर्ड में नहीं आता बिल्कुल मायूस ना हो, आप लर्न कर रहे हैं, लीडर बोर्ड में नाम आए ना आए मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट में नाम आपका जरूर आना चाहिए, उसके लिए ही तैयारी है। तो लीडर बोर्ड अच्छा है, लीडर बोर्ड में जो बच्चे कर रहे हैं उनकी श्योरिटी ज्यादा है कि उनकी तैयारी ज्यादा अच्छी चल रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनके नाम नहीं आ रहे वो नहीं कर सकते, आप अपने साथ ही इंप्रूवमेंट हर दिन देखेंगे, तो इंप्रूवमेंट करते चलिए और कभी ना कभी आपका लीडर बोर्ड में भी नाम आ ही जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है बच्चों, यू हैव टू बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन नंबर सिक्स ये रहा आपके सामने, ए लार्वल स्टेज अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, इनमें से कौन से ग्रुप में लार्वल स्टेज जरूर है, हर एक मेंबर के लार्वल स्टेज इज देयर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द ग्रुप। चलिए बहुत तेजी के साथ आंसर होते हुए, बहुत ही बढ़िया बच्चों, और जितने बच्चे यूट्यूब पर हैं भाई वाह क्या बात है, आज आप लोगों ने बिना कहे इतने लाइक्स कर दिए हैं, वेरी गुड एक्सीलेंट। तो लाइक्स आर मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द सेशन विच इज ऑसम। ओके, सो अ लार्वल स्टेज आकर इन द लाइफ, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, 936 बच्चों ने अटेम्प्ट किया और 445 बच्चों ने करेक्ट आंसर, बटरफ्लाई, फ्रॉग एंड मॉस्किटो, इनमें लार्वल स्टेज आता है। इसके अलावा कई सारे हैं जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि छिपकली के अंडे के अंदर से जब बच्चा निकलता है तो वो छिपकली जैसा ही दिखता है, कॉकरोच के अंदर जब निकलता है तो वो भी कॉकरोच जैसा ही दिखता है, राइट right? इसके अलावा एस्कैरिस, इसमें भी कोई लार्वल स्टेज नहीं है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो अब आप समझ ही गए होंगे। अर्थवॉर्म, राइट, तो इन सारे जो ऑर्गेनिजम्स दिए जा रहे हैं हर एक ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसमें लार्वल स्टेज नहीं है, हालांकि बटरफ्लाई में कैटरपिलर लार्वा होता ही है, फ्रॉग में टैडपोल इज अ लार्वल स्टेज, मॉस्किटो में रेगुलर लार्वा होता है, इन सारे के सारे लार्वास के नाम आपको याद रखने हैं।
प्लैनुला लार्वा, ट्रोचोफोर लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा, बहुत तरह के लार्वा हैं, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है एनिमल किंगडम में। तो इन सारे के सारे लार्वाज की एक लिस्ट बना करके अगर आप याद रखें बहुत ही उम्दा होगा आपके लिए, दैट विल बी एक्सीलेंट। मैगट भी है, मैगट पाया जाता है हाउस फ्लाई में। ओके, रैबडीटी फॉर्म लार्वा, बहुत सारे तरह के लार्वा, पूरी की पूरी लिस्ट है बच्चों, और उनको याद रखना बहुत जरूरी है। वंडरफुल, अनंतु नायर फ्रॉम केरला, आपने नाम और एड्रेस दोनों ही लिख दिया है, क्या बात है बच्चे। खैर, द गुड थिंग इज यू आर ऑन नंबर वन, बहुत बढ़िया। नंद सेकंड पोजीशन पर है, ज्लेटन, श्रेयांश, पूनम, नीलेश, पिंकू, श्लोक, शिवम एंड हिमांशी, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इनमें से कई बच्चे आज पहली बार आए हैं लीडर बोर्ड पर, बहुत बहुत स्वागत बच्चों अपना नाम लीडर बोर्ड में लाने के लिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपका अगला प्रश्न, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर यू गो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स पॉसेसेस नर्व सेल्स बट नो नर्व्स, नर्व सेल्स तो हैं लेकिन एक्चुअल नर्व्स नहीं है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। बहुत ही तेजी के साथ आंसर हो रहे हैं। फर्स्ट 20 सेकंड में 850 बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया है इस प्रश्न को, बहुत ही अच्छा। ओके, देयर यू गो, 922 बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और 534 बच्चों को करेक्टली पता है हाइड्रा। हाइड्रा वो पहला ऑर्गेनिज्म है जिसमें नर्व सेल्स की प्रेजेंस देखी जाती है, जो टेंटेकल्स वगैरह, नीडोब्लास्ट सेल वगैरह को ये मूव कराते हैं, तो वो नर्वस एक्यूरेसी के तरह ही है, लेकिन प्रॉपर नर्व्स नहीं है कि बॉडी के हर पार्ट का सिंक्रोनाइजेशन हो। हाँ, एक्साइटरी नर्व सेल्स जरूर होते हैं जो एक्ट करते हैं, वेरी गुड, आपको बहुत अच्छे से पता है इसके बारे में। आगे बढ़ते और कितना लोअर मेंबर है ये देख लीजिए, टेप वॉर्म हो गए, अर्थ वॉर्म हो गए, फ्रॉग टैडपोल हो गए, इनमें उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, नर्व सेल्स बट नो नर्व, यानी कि नर्व भी है कईयों में तो, बट ये वो है जिसमें नर्व सेल्स तो आ गए, नर्व नहीं बनी, क्योंकि नर्व थोड़ा हायर कंडीशन होता है, सेल्स के कनेक्शन को मिला करके नर्व बनता है पूरा का पूरा। ओके, लेट मी हैव अ लुक, ज्लेटन इज नंबर वन, पूनम, नीलेश, शिवम, हिमांशी, शिवानी, पिंकू, परीक्षित, ओमकार एंड हैक्स, ये बच्चे हमारे इस वक्त लीडर बोर्ड पर नाम अपना सुशोभित कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बच्चों, ज्लेटन वेल डन। आगे बढ़ते हैं बच्चों और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका अगला प्रश्न ये रहा, ऑर्गेनिजम्स अटैच टू द सबस्ट्रेटम जनरली पॉसेस, क्या होता है, क्योंकि वो सबस्ट्रेटम में अटैच है, ध्यान से करना है, सबस्ट्रेटम में अटैच है तो उनमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए अनोखा, व्हाट इज दैट यूनिकनेस इन देम, लेट मी सी। बहुत तेजी के साथ आंसर हो रहे हैं, वेरी गुड, 700 से ज्यादा बच्चों ने आंसर कर लिया है, मोर देन 800 स्टूडेंट हैव आंसर्ड नाउ, एक्सीलेंट, बहुत ही उम्दा। ओके, सो देयर यू गो, 895 स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और करेक्ट आंसर दिया है ओनली 164 ने। अब देख लीजिए बच्चों, मैंने आपको बता भी दिया था, तो कुछ बच्चों ने हाईली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन में भी एप्लीकेशन लगाया है। फर्स्ट ऑप्शन है वन सिंगल ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल, जो सबस्ट्रेटम में अटैच होते हैं क्या उनमें डाइजेस्टिव कैनाल पाया जाता है प्रॉपर, ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही, प्लांट्स वगैरह की बात नहीं हो रही, कि हाईली एडवांस प्लांट भी अटैच्ड रहते हैं जमीन के साथ, तो बच्चों देख लीजिए आपने कहां गलती करी। अगर आप बात करते हैं स्पॉन्जेस की, जिनके बॉडी में हर जगह से पोर हैं, या स्पॉन्जेस के अलावा जो निडेरियंस हैं वो भी एडम्सिया वगैरह भी अटैच्ड रहते हैं कई बार, तो वन सिंगल ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज नॉट एब्सोल्युटली डिफाइनिंग, क्योंकि दो फाइलम को लेकर के हम बात कर सकते हैं। अगर हम पहले फाइलम की बात करें जिसमें स्पॉन्जेस ज्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन फिर भी रेडियल सिमेट्री भी किसी किसी में पाई जाती है, कुछ रेगुलर शेप के भी होते हैं समवट राउंड सर्कुलर आउटलाइन, तो बच्चों इसमें रेडियल सिमेट्री बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन पाया जाता है, कि जो ऑर्गेनिज्म अटैच्ड रहते हैं सबस्ट्रेटम में जनरली They possesses radial symmetry, क्योंकि वो ज्यादातर सर्कुलर आउटलाइन वाले ही होते हैं। क्लियर हो गई बात, चलिए अब देखते हैं लीडर बोर्ड इस वक्त क्या कहता है, what has the leader board to show now?
कुछ फेरबदल होने की संभावना, बट काफी अच्छा अटेम्प्ट किया आप सबने, पॉइंट्स मिले हैं जितने बच्चे लीडर बोर्ड पर हैं ज्यादातर। ज्लेटन इज नंबर वन, स्वाति, परीक्षित, अस्मी, काव्या, काल्पी, शरद, एस आर, दिव्यंकिता एंड आईना। वंडरफुल बच्चों, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप। चलिए, स्वागत है आप सभी का लीडर बोर्ड में। नाम लाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बर्ड और मैमल्स के द्वारा शेयर नहीं किया जाता? इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों के द्वारा शेयर नहीं किया जाता? ध्यान से करिएगा, कहीं गलत आंसर ना कर बैठे आप जल्दबाजी के चलते। बहुत जरूरी है बच्चों, स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। There you go, 882 बच्चों ने अटेम्प्ट किया और 419 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। विविपैरिटी, विविपेरस मैमल्स होते हैं, बर्ड्स ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं। लेकिन बच्चों, मैंने पहले ही कह दिया कि एक्सेप्शंस तो होते ही होते हैं। इसके पहले प्रश्न में भी देखिए, उसमें भी एक्सेप्शंस थे कि सारे के सारे स्पॉन्जेस रेगुलर शेप के नहीं होते, सिमेट्रिकल नहीं होते। उसी तरह से सारे के सारे मैमल्स भी जो हैं वो विविपेरस नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। लेकिन बर्ड्स में एक्सेप्शन नहीं है, बर्ड्स में सारे के सारे ओविपेरस ही होते हैं। चलिए देखते हैं लीडर बोर्ड क्या कहता है इस वक्त। व्हाट हैज द लीडर बोर्ड टू शो? पॉइंट्स के कैलकुलेशंस होते हुए देखते हैं लीडर बोर्ड में क्या फेरबदल होता है। परीक्षित इज नंबर वन, काल्पी, काव्या, अश्मी, आईना, योगेश, वेंचर, दमन, कैफ एंड अभी। बहुत ही बढ़िया परीक्षित, वेल डन, यू आर ऑन नंबर वन। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। देयर यू गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन अमंग मैमल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कैरेक्टर मैमल्स के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है? कौन सा कैरेक्टर बिल्कुल सटीक बैठता है बिना किसी एक्सेप्शन के? Which is common among mammals. Very good, बड़ी तेजी के साथ आंसर हो रहे हैं। 800 plus students ने आंसर कर लिया है और देखते हैं कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। 862 बच्चों ने अटेम्प्ट किया और ओनली 128 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। They undergo no molting. Molting phase नहीं होता है, जैसे cockroaches में molting होती है, molting phase नहीं होता है। 7 cervical vertebra is not a surety or a fixed thing among the mammals. They are carnivores, ये भी surety नहीं है। They have ventral nerve cord, ventral यानी कि ventrum, dorsal hollow tubular nerve cord पाया जाता है chordates के character। तो molting नहीं होती है mammals में, जो development होता है वो direct होता है, viviparous होते हैं और कोई molting नहीं होता, ऊपर की skin वगैरह shed करने का कोई process नहीं है। देखिए बच्चों, अब चलते हैं और देखते हैं लीडर बोर्ड में क्या फेरबदल हुआ है। बहुत बड़े फेरबदल की संभावना लग रही है। सो देयर यू गो, बहुत बड़ी फेरबदल की संभावना लग रही थी। वेंचर इज नंबर वन, वंडरफुल। वेंचर, दमन, सहर, परीक्षित, काल्पी, काव्या, अश्मी, स्वीकृति, डॉक्टर वैभव एंड शरद। बहुत ही बढ़िया बच्चों। तो देख लीजिए बच्चों, किस तरह से एक हेल्दी कंपटीशन के बीच में आप उतार चढ़ाव देख रहे हैं, इससे आपकी तैयारी और मजबूत होती है, isn't it? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। What has the next question to show for you? Let's have a look. The canal system is a characteristic feature of. Canal system इनमें से किसका characteristic feature है? Canal system is a characteristic feature of which of the following? All right, बहुत तेजी के साथ आंसर हो रहे हैं। 750 से ज्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया है इस प्रश्न को। एक्सीलेंट। कैनाल सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, इनमें से किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कैनाल सिस्टम। 840 बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। 572 बच्चे करेक्ट आंसर के साथ हैं। बहुत ही उम्दा बच्चों, बहुत बढ़िया आंसर किया आप सबने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लीडर बोर्ड क्या कहता है इस वक्त।
कुछ पॉइंट्स के कैलकुलेशन, कुछ डिफरेंसेस आते हुए। सेहरुल, समीना, वेलकम बच्चे फॉर कमिंग द फर्स्ट इन द लीडर बोर्ड, बहुत बहुत स्वागत। दमन, परीक्षित, अस्मि, स्वीकृति, काव्या, डॉक्टर वैभव, शरद, एसआर एंड आईना, बहुत बहुत बढ़िया स्वागत है बच्चों आप सभी का लीडर बोर्ड में आने के लिए, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। सेहर वेलकम बच्चे। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला प्रश्न आपका ये रहा, ए कॉर्डेट कैरेक्टर इज। और बच्चों कल क्लास 12th की बारी है तो आप लोग तैयार होकर के आइएगा बिल्कुल। और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे कल मेंटी क्विज, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर ऑलरेडी दो क्विजेस हो चुकी हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर कल पहली क्विज होगी। एक बार जैसे ही कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट, तो उस पूरी की पूरी यूनिट के ऊपर भी एक टेस्ट रखा जाएगा, मेगा 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 क्विज। ओके, 832 बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 596 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट का विदाउट एनी डाउट कैरेक्टर तो ही है। गिल्स स्लिट्स की बात कर सकते हैं, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो या कहीं भी हो, बट डायरेक्ट गिल्स की बात नहीं कर सकते। स्पिराकल्स तो कॉर्डेट्स में होते नहीं है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन भी नहीं पाया जाता। ओके, लेट्स मूव अहेड और देखते हैं क्या कहता है लीडर बोर्ड इस वक्त। और जितने बच्चे YouTube पर हैं इस वक्त सेशन को लाइक जरूर करें, वैसे भी आप जितने बच्चे हैं आज उनसे लाइक ज्यादा हैं YouTube पर। वेरी गुड, देयर यू गो, दमन नंबर वन। दमन, सेहर, परीक्षित, स्वीकृति, अस्मि, काव्या, डॉक्टर वैभव, एसआर, शरद एंड आईना, बहुत ही बढ़िया बच्चों। देखिए कितना हेल्दी कॉम्पिटिशन हो रहा है। दमन और सेहर ने जो अवतार यूज किया हुआ वो भी सेम है, तो अब पॉइंट्स को भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है पॉइंट्स में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा यूरिकोटेलिक होता है, कौन सा यूरियोटेलिक होता है, कौन सा एमोनोटेलिक होता है, कौन सा ग्वानोटेलिक होता है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वो पार्ट है जहां से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। यानी कि आप समझ ही गए होंगे, जिन पार्ट को आप नेग्लेक्ट करते हैं ज्यादातर वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस वजह से नेग्लेक्ट कुछ भी नहीं करना है। एक आपको आइडिया लग गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के फॉर्म में। वेरी गुड, 507 बच्चों को करेक्ट पता है बर्ड्स एंड लिजर्ड। अब अगर बच्चों मैं बात करूं कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इन तीनों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया और सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड। यूरिया यूरिक एसिड से ज्यादा टॉक्सिक है। अब रीजन एक और देख लीजिए कि बर्ड्स एंड लिजर्ड्स में क्लोकल एपर्चर होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, यानी कि यूरिन के लिए और फीकल मैटर के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो कलेक्ट होता है बॉडी में कुछ वक्त, जब तक ब्लैडर भरता नहीं है, यानी कि क्लोकल एपर्चर, तब तक रिलीज नहीं होता। तो इनको बिल्कुल लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म की जरूरत होती है। और अब आप सोचिए, लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म होने की वजह से इनको उतनी जल्दी एक्सक्रीट नहीं करना पड़ता, हालांकि इनके अंदर जैसे ही बनता है रिलीज हो ही जाता है, राइट। और सबसे ज्यादा जो है वो है अमोनिया, तो अमोनिया को डाइल्यूट फॉर्म में रहना चाहिए बॉडी में, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हाईली डेंजरस है। इसी वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ज्यादातर जो बोनी फिशेज हैं उनमें अमोनिया के थ्रू रिलीज होता रहता है। लेकिन ध्यान रहे, कार्टिलेजिनस फिशेज काफी एडवांस्ड हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज में हमारी तरह यूरिया का एक्सक्रीशन होता है शार्क्स वगैरह में, राइट। तो इसके बारे में जरूर इंफॉर्मेशन आप लोगों को रखनी चाहिए। और ग्वानिन के फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है स्कॉर्पियन में और स्पाइडर में, ग्वानिन जो कि एक तरह का यूरिक एसिड ही है, तो उसके फॉर्म में सिक्रीशन होता है और वो सॉलिड होता है, काफी ज्यादा सॉलिड होता है। तो स्पाइडर्स में और आप स्कॉर्पियन में, ये ऐसे कंडीशंस को बिलोंग करते हैं जहां वाटर स्केर्सिटी होती है कई बार, तो इस वजह से ऑलमोस्ट सॉलिड फीकल मैटर इनका रिलीज होता है। चलिए देखते हैं लीडर बोर्ड, काफी इंफॉर्मेशन दे दी मैंने, हालांकि आप पढ़ेंगे और आपको सेशंस भी कराए जाते ही हैं, तो आपको आइडिया रहेगा उन चीजों के बारे में। पॉइंट्स के कैलकुलेशन होते हुए, नंबर वन इज परीक्षित, वेल डन परीक्षित, स्वीकृति, अस्मि, काव्या,
एस आर योगेश, आईना अभी, वेंचर एंड अंकुश, ये बच्चे हमारे इस वक्त लीडर बोर्ड में। भारी फेरबदल हो चुका है, आप देख रहे हैं लीडर बोर्ड में काफी परिवर्तन आ गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ और देखते हैं और आगे क्या चेंजेस हो सकते हैं। ट्यूब फीट आर द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स ऑफ, ट्यूब फीट इनमें से किसके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स माने जाते हैं। जिस स्पीड से आंसर हो रहा है मैं समझ गया हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही सिंपल लग रहा है, इजी लग रहा है, एंड दैट्स वेरी गुड कि आप सबको पता है ट्यूब फीट के बारे में। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं बच्चों जिनमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना ही चाहिए। वेरी गुड, मोर देन 800 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन, 821 बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 531 बच्चे करेक्ट आंसर के साथ हैं दैट द ट्यूब फीट आर द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टार फिशेस, वंडरफुल। कटल फिशेस नहीं, जेली फिशेस नहीं, क्रे फिशेस नहीं, क्रे फिशेस तो फ्रेश वाटर लॉबस्टर टाइप के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। कटल फिशेस आप जानते ही हैं, ऑक्टोपस, स्क्विड, इनसे रिलेटेड होता है, और जेली फिशेस भी आप जानते हैं, जेली फिशेस हाइड्रा वाले ही फाइलम निडेरिया सिलेंटरेटा को बिलोंग करते हैं। ट्यूब फीट इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है जो स्टार फिश का फाइलम भी है। चलिए देखते हैं लीडर बोर्ड क्या कहता है इस वक्त। बहुत तेजी के साथ पॉइंट्स के कैलकुलेशंस होते हुए लेट मी हैव अ लुक। परीक्षित नंबर वन स्वीकृति, अश्मी, काव्या, योगेश, एस आर, आईना, अभी, अंकुश एंड सौम्या, ये बच्चे हमारे इस वक्त लीडर बोर्ड पर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत बच्चों आप सभी का लीडर बोर्ड में बने रहने के लिए। अगला प्रश्न आपका ये रहा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन देयर इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन को पढ़िए, हाइड्रा से रिलेटेड है, फाइलम सिलेंटरेटा या निडेरिया, निडोब्लास्ट सेल्स भी होते हैं, लेकिन उसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन जो है वो आप पढ़िए और फिर आंसर करिए। वेरी गुड, 700 से ज्यादा बच्चे आंसर कर चुके हैं। आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लगा, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, क्योंकि बच्चों ने काफी वक्त लगाया इस क्वेश्चन को करने के लिए। 812 स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया और 213 करेक्ट आंसर के साथ है। माउथ एंड बॉडी वॉल, ध्यान रहे बच्चों इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्लाइंड सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम, एक ही ओपनिंग है फूड के आने की, अनडाइजेस्टेड फूड के बाहर जाने की, लेकिन जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी वॉल से डिफ्यूज हो जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं इनके अंदर इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म तो है नहीं, किडनी वगैरह टाइप का स्ट्रक्चर है नहीं, तो जो भी अमोनिया का फॉर्मेशन होगा वो बॉडी वॉल से डिफ्यूज हो जाएगा वाटर बॉडी में। वेरी गुड, वेल डन 213 स्टूडेंट जिन्होंने इसका करेक्ट आंसर दिया है। लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड, व्हाट हैज द लीडर बोर्ड टू शो नाउ फॉर ऑल ऑफ यू। कुछ फेर बदल होने की संभावना बनी हुई है। योगेश नंबर वन, वंडरफुल। अश्मी नंबर सेकंड, एस आर थर्ड पोजीशन पर हैं, अंकुश, अभी, आईना, ज्लेटन, परीक्षित, स्वीकृति एंड काव्या। देख लीजिए बच्चे किस तरह से फेर बदल हो चुका है। योगेश हमारे वो बच्चे हैं जो एक बार टॉप भी हो चुके हैं, एक बार या दो बार इन्होंने बहुत अच्छे से कंप्लीशन किया है। ज्लेटन भी रेगुलर बेसिस पर आते हैं, ज्लेटन भी अच्छा कर रहे हैं, परीक्षित आप भी बच्चे अच्छा काफी कर रहे हैं, काव्या, स्वीकृति, एस आर, अश्मी, अभी, आईना, सारे के सारे, अंकुश, सारे बच्चे बहुत उम्दा प्रदर्शन। कई बार तो है कि बच्चों को पता नहीं है तो इस वजह से भी पहली बार आते हैं, लेकिन योगेश हमेशा स्टार्टिंग से आ रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा बच्चों आप एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी मेंटी क्विज के लिए जरूर बताया कीजिए कि वो भी दिन की शुरुआत करें। आपको भी बहुत बढ़िया चैलेंज मिलेगा जितने ज्यादा बच्चे होंगे, क्योंकि फाइनली आपने कम्पीट करना है 15 से 16 लाख बच्चों के साथ। कॉम्पिटिशन के लेवल को बढ़ाना बड़ा आवश्यक है। ओमाटीडिया किसमें पाया जाता है, ओमाटीडिया किसमें पाया जाता है और फोटो रिसेप्शन का काम करता है। वेरी गुड, बहुत ही तेजी के साथ आंसर होते हुए, वेरी क्विक सक्सेशन, 787 बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 564 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। कॉकरोचेस में पाया जाता है, कॉकरोचेस की आईज में बहुत से लेंसेज होते हैं, मल्टीपल लेंसेज होते हैं, इसी वजह से कंपाउंड आईज
कहते हैं। वहीं पर ओमाटीडिया जो है वो फोटोरिसेप्टर का काम है, यानी कि लाइट को डिटेक्ट करता है। वेरी गुड, लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड। क्या कहता है लीडर बोर्ड इस वक्त हमारा? नंबर वन पर कौन है इस वक्त? देयर यू गो, योगेश नंबर वन, योगेश, अश्मी, एस आर, अंकुश, अभी, आईना, ज्लेटन, स्वीकृति, परीक्षित एंड काव्या। बहुत बढ़िया बच्चे, आप लोग बहुत ही उम्दा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर यू गो, क्वेश्चन नंबर 17, और देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17 का रिजल्ट। स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स, पढ़िए ढंग से और फिर करिए। बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही आंसर करें। वेरी गुड, बहुत तेजी के साथ आंसर हो रहे हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन थोड़ा, इसके ऑप्शन थोड़े बड़े हैं, इस वजह से बच्चों को वक्त थोड़ा ज्यादा लग रहा है। There you go, 758 बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया एंड 201 बच्चों ने करेक्ट। प्रॉन हैज टू पेयर ऑफ एंटीना, भाई चार चार एंटीना लेके क्या करेगा? टू पेयर होते हैं या वन पेयर होता है? तो ज्यादातर बच्चे जिन्होंने गलत किया, आप बड़े बड़े आंसर्स के ऑप्शंस में भटकते रहे, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना था, पहला ही रॉन्ग था। यानी कि इसमें करना क्या होता है कि जो रॉन्ग है वो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए, और जाहिर सी बात है वक्त आपका ना लगे इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट ही दिया गया। तो पहला ही जो है वो देख करके आप समझ ही गए दैट टू पेयर ऑफ एंटीना कैसे होंगे। लेग्स की बात नहीं हो रही, एंटीना जो सर के ऊपर निकले रहते हैं, वन पेयर होता है। इसके अलावा बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कहीं कोई गलती नहीं है। देखते हैं लीडर बोर्ड में क्या फेरबदल हुआ होगा। व्हाट आर द चेंजेस एक्सपेक्टेड एंड एंटिसिपेटेड? क्या बात है, ओनली 3 स्टूडेंट्स ने आंसर किया लीडर बोर्ड में से जितने बच्चे हैं, लेकिन पॉइंट्स की बढ़त की वजह से योगेश अभी भी नंबर वन है। योगेश, अश्मी, एसआर, स्वीकृति, अंकुश, अभी, आईना, ज्लेटन, सुनिधि, नरेंद्रन। अब बच्चों देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न था, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर किया वो भले नंबर वन रहे ना रहे, उन्होंने पढ़ाई करी है। यानी कि उनके अंदर कुछ ऐसी चीज है कि अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करें, 100% चांसेस बन जाते हैं बच्चों आपके निकलने के, क्योंकि आप उन कॉर्नर्स पर आपकी नजर रहती है जो बारीकी बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से आपको चीजों को देखना पड़ता है। बच्चे मेहनत तो सारे ही करते हैं, लेकिन जिसके पास आई फॉर डिटेल है, जो स्मार्ट वर्क कर पाता है, वही आगे निकलेगा। बट एनीवे, वेल डन योगेश, अश्मी, एसआर, स्वीकृति, अंकुश, अभी, आईना, ज्लेटन, सुनिधि एंड नरेंद्रन। ये 10 बच्चे हमारे लीडर बोर्ड पर इस वक्त दिख रहे हैं। स्वागत है बच्चों आप सभी का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देयर यू गो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन? बहुत क्विक आंसर हो रहा है, बहुत ही क्विक सक्सेशन में आंसर होता हुआ। वेरी गुड, 771 बच्चों ने अटेम्प्ट किया और 644 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। क्लास इंसेक्टा में हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। वहीं सिफेलो पोडा की अगर हम बात करें, माइरिया पोडा की बात करें, क्रस्टेशिया की बात करें, तो इनमें इस तरह का स्पेसिफिक डिवीजन नहीं है। सिफेलोपोडा, एरेक्निडा हो गया, जैसे स्पाइडर वगैरह हो गए, तो इनमें हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन अलग अलग नहीं दिखाई देता, इंसेक्टा में ही दिखाई देता। आप किसी भी चींटी को देख लें, एंट को देख लें, बटरफ्लाई को देख लें, जो भी इंसेक्टा क्लास को बिलोंग करते हैं, क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जाता है। देखते हैं लीडर बोर्ड क्या कहता है इस वक्त। योगेश ने सबसे ज्यादा पॉइंट बैकअप किए इस क्वेश्चन के साथ। योगेश नंबर वन, अश्मी, एसआर, स्वीकृति, अंकुश, अभी, ज्लेटन, सुनिधि, चिराग एंड नरेंद्रन। चलिए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को, क्या कहता है आपका अगला प्रश्न। कितना तैयार हैं आप? बहुत जरूरी है। बाई रेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ नीरोब्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ।
ध्यान से पढ़कर करिएगा आंसर। स्पीड एंड एक्यूरेसी दो ऐसी चीजें हैं जो मैटर करती हैं द मोस्ट, आपको इन दोनों चीजों का ख्याल रखना है। बहुत ही तेजी के साथ आंसर हो रहे हैं, वेरी गुड, वंडरफुल, देयर यू गो, ऑलमोस्ट 700 बच्चे ही इसका आंसर कर पाए, यानी कि आपको वक्त लग गया क्वेश्चन को पढ़ने में। 749 बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 256 बच्चे करेक्ट आंसर के साथ है, टिनोक्लेना एंड बेरो, इनमें नीडोब्लास्ट नहीं होते हैं और बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल में भी बाई रेडियल, यानी कि इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो थोड़ा सा एलिप टाइप का होता है, ओवल टाइप का होता है, जिसकी वजह से बाई रेडियल सिमेट्री है, तो रेडियल का ही टाइप, लेकिन उसको स्पेसिफिकली जैसे पेंटा रेडियल हम स्टार फिशेज में कहते हैं, तो है तो रेडियल का ही टाइप, तो वो इनमें पाया जाता है, टिनोफोरा, फाइलम टिनोफोरा, टिनोप्लाना उनका एक एग्जाम्पल है, बेरो एक दूसरा एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड, क्या कहता है लीडर बोर्ड इस वक्त, कुछ फेरबदल होने की संभावना। अश्मी, स्वीकृति, आईना, इन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है। योगेश नंबर वन पर है, एसआर, अंकुश, ज्लेटन, नरेंद्रन, आईना, हिमांशी, पिंकू, अश्मी एंड स्वीकृति, बहुत बढ़िया। तो बच्चे देख लीजिए योगेश किस तरह से करते हैं, योगेश स्टार्टिंग में कई बार नाम नहीं आता है, लेकिन बाद में स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली कहानी हो जाती है। अब ये लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, जो कि डिसाइड करेगा आपकी रैंक को, डिसाइड करेगा। ध्यान से करिएगा बच्चे, ग्रासेस भी मोनोकॉट ही होते हैं, है ना, ग्रासेस वगैरह मोनोकॉट होते हैं, ये मत समझिएगा कि मैंने कोई हिंट दिया है, मैंने वैसे ही क्लैरिफाई कर दिया, मेरे मन में आया कि भाई बता दूं ग्रासेस भी मोनोकॉट होते हैं। देयर यू गो, 733 बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, बहुत ही उम्दा, 524 बच्चे करेक्ट आंसर के साथ हैं, डिकेइंग फॉलन लीव एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, यही खाते हैं फेरेटिमा और उसके क्लोज रिलेटिव्स, उसमें से ऑर्गेनिक मैटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ फ्रेश फॉलन लीव्स ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट में ग्रासेस भी आती, क्या फर्क पड़ता है, फ्रेश फॉलन लीव को तो नहीं खा पाता है फेरेटिमा। आपने देखा किसी केचुए को कि पत्ती गिरी हुई है और कैटरपिलर की तरह पत्ती को खाता हुआ, नहीं देखा है कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई कौन सा बच्चा हमारा नंबर वन है इस प्रश्न के साथ, और पूरी की पूरी सीरीज में नंबर वन है। बहुत ही बड़ा फेर बदल बच्चों, देयर यू गो, अंकुश, वेल डन, वेल डन, इसको कहते हैं फाइनल स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। अब आपको क्या शिक्षा मिली देख लीजिए, 100% हम कन्विंस थे कि कौन होने वाला था टॉपर, लेकिन हुआ कौन, अंकुश प्रमाणिक, वेल डन बच्चे। पॉइंट्स हालांकि कम है, 16,290 पॉइंट्स ही हैं, पिछले दिनों के कंपैरिजन में 20 क्वेश्चन में 19,000 से ज्यादा पॉइंट बन जाते थे, बट एनीवे जब बात होती है कंपटीशन की तो उसमें ये नहीं मैटर है कि सब करेक्ट किसने किए, टॉपर कौन है ये मैटर करता है। वेल डन अंकुश, वेल डन। तो बच्चों आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, एवरी डे आना है, अपनी रैंक को सुधारना है, अपने फ्रेंड्स को भी बुलाना है, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा कंपटीशन होगा आपकी तैयारी उतनी अच्छी हो रही है ना, युद्ध अभ्यास जिसको कहते हैं, ड्रिल, जितना ज्यादा चैलेंजिंग होगा उतना ज्यादा संभावना रहती है कि आप युद्ध में विजयी होंगे। तो बच्चों यहां पर आप कुछ 100 स्टूडेंट्स के साथ कंपीट करते हैं, हालांकि कॉम्पिटिशन आपका ऑल इंडिया लेवल पर है, लेकिन नीट में जो कॉम्पिटिशन होगा वो 15 से 17 लाख बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा। बहुत जरूरी है कि आप इस प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ करें, अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स को जरूर इनवाइट करिए एवरीडे, वो भी आते रहें ताकि आपको भी तैयारी बहुत अच्छी होती रहे। चलिए एक बार क्विकली डिस्कशन कर लेते हैं इन क्वेश्चंस का। ओके फरहत, थैंक यू फॉर द हार्ट्स बच्चे, मुदासिर, थैंक यू, काफी बच्चों ने चैट, काफी तेजी के साथ चैट हो रहा है बच्चों, और खास बात यह कि 950 के करीब लाइक्स हो चुके हैं, 1000 लाइक्स तो बहुत जल्दी होने वाला है। चलिए बच्चों एक बार क्विकली इन क्वेश्चंस को एक बार फिर रीकैप कर लेते हैं। मेटाजेनेसिस किस चीज से रेफर करता है, मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस इन एन ऑर्गेनिज्म, मैंने क्वेश्चन में ही डिस्कस कर दिया था। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया को आप 2-3-4 टुकड़ों में काट दें वो दोबारा से रीजेनरेट हो जाता है, तो रीजेनरेशन की कैपेसिटी, बड़ा सिंपल प्रश्न था ये।
सिलेक्ट द टैक्सन दैट रिप्रेजेंट बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज, दोनों के दोनों किसमें पाए जाते हैं बच्चों, वो निडेरियंस है, हाइड्रा तालाबों में पाया जाता है, फ्रेश वाटर निडेरिया को बिलोंग करता है, जेलीफिशेस समंदर में पाई जाती हैं, वो मैराइन होती है, मैराइन का मतलब है सॉल्टी वाटर, समंदर में पाए, पेंगुइन कहां पाए जाते हैं, तो पेंगुइन बच्चों देख लीजिए ध्यान से सुनिएगा, नेटिव प्लेस जो पेंगुइन का है बच्चों वो है एंटार्क्टिका। हालांकि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के आखिरी छोर में जहां चिली और अर्जेंटीना जैसी कंट्रीज हैं वहां तक भी आ जाते हैं समंदर में तैरते हुए कई बार, लेकिन वो उनका नेचुरल प्लेस नहीं है, एंटार्क्टिका इज देयर नेचुरल प्लेस, ठीक है। तो विदाउट एनी डाउट यहां पर मोस्ट प्रोबेबल है एंटार्क्टिका। एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैटवर्म टीनिया फ्लेम सेल्स बोलते हैं उनको, उनका डिजाइन कुछ ऐसा लगता है जैसे कि फ्लेम निकल रही हो, आग की फ्लेम उस तरह देखने में लगते हैं, इस वजह से नाम पड़ गया फ्लेम सेल। लार्वल स्टेज अकर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, किसमें किसमें लार्वल स्टेजेस हैं, बटरफ्लाई में लार्वा कैटरपिलर है, फ्रॉग में लार्वा टैडपोल है, मॉस्किटो में लार्वा रिगुलर है, तो ये तीनों के तीनों लार्वल स्टेजेस हैं, बाकी हर ऑप्शन में एक एक ऐसा है जो लार्वल स्टेज नहीं एग्जिबिट करता, ठीक है। थैंक यू ज्योति, ध्यानेन्द्र, प्रवती, ओके, मानसी, बहुत बहुत स्वागत बच्चों आप सभी के लाइक्स और अप्रिसिएशन के लिए। श्रुति वेलकम, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पॉसेस नर्व सेल बट नो नर्व, तो हाइड्रा में नर्व सेल टाइप का स्ट्रक्चर देखा जाता है लेकिन नर्व्स नहीं होते कोई, क्लैरिटी आ गई, समझ में आ गया ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, ऑर्गेनिज्म अटैच टू द सेल, इसमें मैक्सिमम बच्चों ने गलत आंसर किया था, देखिए मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। ऑर्गेनिज्म अटैच टू सबस्ट्रेटम यानी कि किसी सबस्ट्रेटम में अटैच होकर रहते हैं ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म है, बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, उनमें क्या पाया जाएगा, वन सिंगल ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल जो है वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता जो अटैच्ड होते हैं, इट इज नॉट अ कॉमन थिंग, क्योंकि वन सिंगल ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल जो है सेकेंड फाइलम में है, निडेरिया में है, तो कुछ निडेरियंस भी अटैच रहते हैं सबस्ट्रेटम के साथ, उनमें तो है, लेकिन वॉट अबाउट द पॉरीफेरेंस, कुछ पॉरीफेरा भी ऐसे होते हैं जो अटैच, पॉरीफेरा तो सारे ही अटैच रहते हैं जो स्पॉन्जेस हैं। अब ऑप्शन नंबर सी देखिए, रेडियल सिमेट्री, ऐसे स्पॉन्जेस जो थोड़ा सा सर्कुलर आउटलाइन के हैं उनमें हम रेडियल सिमेट्री कह सकते हैं, समझ में आई बात, तो रेडियल सिमेट्री, इसके अलावा जो सेकंड फाइलम उसमें तो रेडियल सिमेट्री है ही है, तो रेडियल सिमेट्री करेक्ट आंसर हो, हालांकि देखने में ऐसा लगता है कि भाई ए ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए, लेकिन चूंकि पॉरीफेरेंस भी है, पॉरीफेरेंस में ऐसा कोई डाइजेस्टिव कैनाल टाइप का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड एंड मैमल, तो विविपैरिटी एक्सक्लूसिवली मैमेलियन कैरेक्टर है, बर्ड ओवोपैरी शो करती है, इसके अलावा एक और बात, कुछ एक्सेप्शंस हैं मैमल्स में जैसे डकबिल, प्लैटिपस, मोनोट्रीम्स, ये सारे के सारे एग लेइंग मैमल है, वो एक्सेप्शन है, लेकिन बर्ड ऐसा कोई नहीं है जो डायरेक्ट बर्थ दे किसी ऑर्गेनिज्म का, समझ में आ गई बात। अगला प्रश्न था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन अमंग मैमल्स, तो मैमल्स में कोई मोल्टिंग नहीं होती, किसी भी मैमल में किसी भी प्रकार की मोल्टिंग नहीं पाई जाती है, मैमल्स में बिल्कुल नहीं पाई जाती। सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा नॉट अ फिक्स्ड क्राइटेरिया, कार्निवोर सारे के सारे नहीं होते, वेंट्रल नर्व कॉर्ड नहीं होता, डॉर्सल होता, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, राइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कैनाल सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है हमारे स्पॉन्जेस में, वॉटर कैनाल सिस्टम कह सकते हैं, यानी कि वॉटर बॉडी के थ्रू जब मूव करता है वहीं से वो फूड एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। विष्णु, थैंक यू फॉर द चॉकलेट बच्चे, मोहम्मद आरिफ, और भी काफी बच्चे इस वक्त चैटिंग पर हैं, उत्तम, उत्तम ने हार्ट्स भेजे हैं, राहत, थैंक यू बच्चे फॉर द हार्ट्स, बहुत ही बढ़िया, क्या लिए डिस्कस कर लेते हैं, वेरी गुड, 1000 लाइक्स आप लोगों ने ऑलरेडी कर दिए हैं, वंडरफुल बच्चों। कॉर्डेट कैरेक्टर इज, इनमें से कॉर्डेट कैरेक्टर कौन सा, पोस्ट एनल टेल, कॉर्डेट के कैरेक्टर्स में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पोस्ट एनल टेल, याद रखना। नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इज बर्ड्स एंड लिजर्ड, यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म होता है, आई बात समझ में, बर्ड्स एंड लिजर्ड, देखा होगा आपने कई बार बर्ड्स की ड्रॉपिंग आपके ऊपर भी गिर सकती है, हमारे ऊपर भी गिर सकती है, वो टीका लगा देती है बर्ड्स कई बार पेड़ों के ऊपर बैठे हुए, तो उसमें इतनी ज्यादा स्मेल भी नहीं होती, उसमें ये भी नहीं कि जैसे ह्यूमन यूरिन में यूरिया होता है, तो जब वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो कन्वर्ट होता है अमोनिया टाइप के
जो है स्मेल आनी शुरू हो जाती है, आपने देखा है। तो यूरिक एसिड का बहुत जल्दी कन्वर्जन नहीं होता, ड्राई हो जाता है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड होता है, इसको कम पानी की जरूरत होती है क्योंकि लीस्ट टॉक्सिक है। जो हाईएस्ट टॉक्सिक उसको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है क्योंकि उसको डाइल्यूट फॉर्म में रहना, अमोनिया। उसके बाद जो हमारी यूरिन होती है यानी कि मैमल्स वगैरह में, तो वो उतनी डाइल्यूट नहीं होती जितना फिशेस की बॉडी से निकल जाता है वाटर में, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और बर्ड्स और लिजर्ड में और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्यूब फीट, सबको पता है ट्यूब फीट के बारे में, स्टार फिशेज में ट्यूब फीट पाया जाता है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा बताने वाला नहीं। हाइड्रा में ये ध्यान देने वाला प्रश्न था, कई बच्चों ने गलत किया, माउथ से अनडाइजेस्टेड पार्ट इज रिलीज्ड एंड बॉडी वॉल से एक्सक्रेटरी मटेरियल डिफ्यूज हो जाते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट, जिनको एक्सक्रेटरी मटेरियल बोला जाता है, ये बहुत जरूरी है आपको समझना है इस चीज। अगला था ओमाटीडिया, ओमाटीडिया वो लेंसेस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो कंपाउंड आईज होती हैं उनमें देखे जाते हैं, राइट आयुषी अगेन अराइजिंग, भाई क्या बात है, थैंक यू बच्चे फॉर द हार्ट, नाम भी आप लोग काफी अच्छे रखते हैं। ज्योति थैंक यू फॉर द वंडरफुल ब्लू हार्ट्स, आयुष बहुत बढ़िया, राहत बहुत बढ़िया। चलिए ओमाटीडिया किसमें पाया जाता है, कॉकरोचेज में पाया जाता है। अगला था फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिलेक्ट द रॉन्ग वन, इनमें से गलत कौन सा है। बच्चों पहला स्टेटमेंट ही देख लीजिए, प्रॉन हैज टू पेयर ऑफ एंटीना, चार चार एंटीना लेके क्या करेगा, दो एंटीना होते हैं ज्यादातर ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 18, बॉडी डिवाइडेड हेड थोरेक्स एब्डोमेन, बच्चों ये क्लास इंसेक्टा का कैरेक्टरिस्टिक है, क्लास इंसेक्टा का कैरेक्टरिस्टिक है। 19 था बायरेडियल सिमेट्री, टीनोप्लेना एंड बेरो में बायरेडियल सिमेट्री भी होती है, और निडोब्लास्ट सेल नहीं होते हैं, टीनोफोरा में नहीं होते हैं, निडेरिया में होते हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है, निडोब्लास्ट सेल निडेरिया में, इसी वजह से निडेरिया नाम पड़ा क्योंकि निडोब्लास्ट सेल। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न था अर्थवॉर्म से रिलेटेड, तो अर्थवॉर्म खाता क्या है, उससे उसके रिलेटेड या अर्थवॉर्म जैसे डिकेइंग फॉलिंग लीफ, सड़ी हुई चीजों, डेट्रीवोरस है ये, डेट्राइटस, सड़ी हुई चीजों से अपना खाना करते हैं, बिना सड़ी हुई पत्ती को अर्थवॉर्म नहीं खा पाता क्योंकि उसके पास च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग पार्ट नहीं है, गली हुई सड़ी हुई चीजों को ही वो खा सकता है। तो ऑर्गेनिक मैटर, वो मिट्टी भी खा जाता है उसी ऑर्गेनिक मैटर के मिक्स होने की वजह से, मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर मिक्स होता है तो वो उस चक्कर में मिट्टी को भी खा जाता है और तभी सॉइल पैलेट्स रिलीज करता है। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को इस वक्त जो सेशन में है। बच्चों हमारा जो सेशन YouTube पर चलता है मंडे टू वेडनेसडे, स्केड्यूल आपके सामने है, संडे मोटिवेशन सेशंस होते हैं, ट्वेल्थ के लिए थर्सडे टू सैटरडे, स्केड्यूल आपके सामने है। आप एक और बेहतरीन फीचर tinyurl.com unacademy chat, इसके थ्रू टेलीग्राम ऐप पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ऐप इस तरह होता है, इंस्टॉल करिए फिर इस ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। इसके अलावा tinyurl.com/neetmobile, जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे आप के सामने ये विंडो खुल जाएगी, यहाँ आपको सारे के सारे चैप्टर वाइज लेक्चर वाइज स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे, तब देख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जो कि कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस कंट्री के बेस्ट एजुकेटर के साथ, यू कैन इंटरेक्ट विद अस, लाइव पोल लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। देख लीजिए हमारे ईयर लॉन्ग कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, आप इन बैचेस के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और उम्दा बनाइए, और उम्दा तैयारी करने का मौका आपको मिलता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, यूट्यूब पर भी हम कोशिश कराते हैं कि कंप्लीट हो जाए आप लोगों का सारा सिलेबस, लेकिन फिर भी जो बच्चे चाहते हैं कि प्रॉपर हैंड होल्डिंग हो एज इफ यू आर गोइंग टू एनी इंस्टीट्यूट, वो चीज आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही मिलेगी। इनफैक्ट ये किसी इंस्टीट्यूट में जाने से भी बेहतर है, क्यों, क्योंकि यहां पर आपको कंट्री के बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है सारे के सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं, आपने कोई भी लेक्चर मिस किया तो यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। तीसरा, आप अपने घर की सेफ्टी और सिक्योरिटी में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चौथा, आप अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर, किसी तरह की दिक्कत है तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, तो ये पूरा का पूरा आपको समाधान मिलता है ऑल इन वन इसके थ्रू, राइट। करना क्या है, वेरी सिंपल, प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा प्लस का, नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक कर लीजिए, इसके बाद यहां पर आ जाएगा सब्सक्रिप्शन बटन। यहां पर जरूरी है कि आप राइट सब्सक्रिप्शन का चयन करें, क्योंकि आपको मान लीजिए थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है तैयारी करने में, या आप ट्रायल के लिए करना चाहते हैं तो मत करिए बच्चे, ट्रायल के लिए आप करेंगे उसके बाद फिर यू विल बी वेस्टिंग इवन मोर अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट। मैं क्यों कर रहा हूं वेस्टिंग, क्योंकि जो ऑब्वियस चीज है उसमें जबरदस्ती
क्यों पैसा पहले लगाना कि भाई एक महीना करके देखेंगे उसके बाद, आपको सेशंस होते ही आपको ऑलरेडी पता है, तो आप जुड़िए और वाइज डिसीजन लीजिए, वन ईयर या टू ईयर के साथ ही जुड़िए। और बेहतर तो यही होगा कि आपको अगर अगले साल भी देना है तो भी आप टू ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जरूरत अगर पड़ी आप निकल गए बहुत अच्छी बात है, आपके पास वन ईयर का सब्सक्रिप्शन बचा हुआ है, आप किसी को गिफ्ट कर दीजिए, आपको दुआएं मिलेंगी, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं और डिफरेंस बहुत ज्यादा है नहीं। और मान लीजिए कहीं मार्क्स इंप्रूवमेंट करने की जरूरत आपको फील होती है तो आप अगली बार भी दे सकते हैं, सो बोथ ऑप्शंस आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। क्लैरिटी आ गई, समझ में आ गई चीजें, तो ये बहुत आवश्यक है कि आप राइट डिसीजन लें एंड यूज कोड प्रदीप लाइफ, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगा आपके अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो बहुत जरूरी है यू गेट द करेक्ट एंड द राइट गाइडेंस, है ना। तो प्रदीप कोड यूज करने के बाद आप बाकी सारे एजुकेटर्स के बैचेस के साथ भी